जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, खूबसूरत फूलों के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ और थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि एडेनियम पर कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने एडेनियम के साथ अभी इसी समय करना होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे गार्डनिंग वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाहर की तरफ काम चल रहा है तो उस वजह से आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए और इग्नोर कीजिएगा उस आवाज़ को। तो खूबसूरत गुलाब बहुत खूबसूरती सिक्के साथ अभी खिल रहे हैं क्योंकि धूप निकल रही है, बारिश का मौसम है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ही कम बारिश हो रही है। मैं जिस ज़िले में रहती हूँ, मंदसौर ज़िले में, यहाँ तो और भी बहुत कम बारिशें हुई हैं। आसपास के मंदसौर के आसपास के एरियाज़ में बारिशें हुई हैं लेकिन यहाँ नहीं हुई। लेकिन ये हमारा वेदर वाला चैनल नहीं है तो हम गार्डनिंग से रिलेटेड जो है जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एडेनियम आप देख रहे हैं, इस एडेनियम में अभी बारिश के समय पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्यों आ सकती है और आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, एडेनियम पर सबसे पहले आपको जो फ्लावरिंग दिख रही है वो आप कैसे ले सकते हैं? वैसे तो एडेनियम पर बारिशों में फ्लावरिंग आप ना ही लें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसके लिए आपको पौधे को सनलाइट में रखना होता है। सनलाइट में रखने के बाद आपको उसमें फर्टिलाइज़र देना होता है, तो उसके लिए आपको ओपन एरिया में रखना होगा। और फ्रेंड्स, बारिशों में जब प्लांट को आप ओपन एरिया में रखते हैं तो उसमें जो बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी कलेक्ट होता रहता है वो उसके कोर्टेक्स में जाके इकट्ठा होता है, और जब कॉर्डेक्स में पानी जा करके इकट्ठा होता है तो कॉर्डेक्स में सड़न गलन स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सॉइल मिक्स बहुत अच्छी बनानी होगी ताकि कॉर्डेक्स में पानी स्टोर ना हो, पानी बहकर निकल जाए। तो सबसे पहले हम सॉइल मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक पॉट ले रहे हैं एडेनियम लगाने के लिए तो आप उसमें 60% उस पॉट का 60% आप कंस्ट्रक्शन सैंड लीजिए और उसमें 30% कंपोस्ट लीजिए, 10% गार्डन सॉइल लीजिए और आप उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड मिलाइए, तो आपका ये एडेनियम का सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। आप इसमें नीम खली यूज़ कर सकते हैं, 1/2 teaspoon फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं, 1/2 teaspoon दालचीनी पाउडर, हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं ताकि फंगस न लगे। लेकिन बारिशों में एडेनियम में फंगस लगने के चांसेस 80% होते हैं, 10% नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ सॉइल मिक्स, यानी कि सिर्फ सॉइल मिक्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की सॉइल मिक्सचर अगर आप बनाएंगे तो आपके एडेनियम में सड़न गलन कभी भी नहीं होगी। सड़न गलन स्टार्ट होने के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले देखिए सॉइल मिक्स कैसा है। यहाँ पर देखिए, आप अगर मिट्टी को उठाएंगे तो मिट्टी तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ सैंड ही सैंड आपको हाथों में मिलेगी। तो इसी तरीके की कंस्ट्रक्शन सैंड आपको कलेक्ट करके और सॉइल मिक्सचर बनाना है। आप ईंट पत्थर के टुकड़ों से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा जो एडेनियम है इसका कॉर्टेक्स देखिए आप, ये एडेनियम बहुत पुराना एडेनियम है, लगभग 3 साल पुराना, और इसके कॉर्टेक्स में भी सड़न गलन स्टार्ट हुई थी। मैं बताती हूँ किस तरीके से स्टार्ट हुई थी। तब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इसके साथ करना क्या है, तो जो जो मैंने इसके साथ ट्रीटमेंट किया वही आज एक शॉर्ट जानकारी के रूप में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मिट्टी में लगा हुआ एडेनियम ख़राब क्यों हो रहा है? तो इस तरीके से पत्तियाँ पीली होगी बारिश के पानी की वजह से, क्योंकि पानी स्टोर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी वही काम करूँगी जो आपको करना है, जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो मैं इस प्लांट को जो है सेमी शेड एरिया में रख दूँगी ले जाके, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा जाने लगा है बारिशों की वजह से। फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ बारिशें नहीं हो रही हैं लेकिन जब भी होती हैं तो लगातार 6-7 दिन तक फुहार भी आती है, यानी कि रिमझिम होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती बारिश, तो भी इस प्लांट को खतरा होता है बारिश के पानी से। और देखिए, सड़न गलन कैसी होती है, ये पहले भी ख़राब हो चुका है तो इसमें थोड़े से सिम्टम्स अभी भी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, तो बारिश के पानी से आपको अपने कॉर्टेक्स को, अपने एडेनियम को बचाना ही है, कॉर्टेक्स के एडेनियम को बचाना ही है। आप फंगीसाइड का लगातार उपयोग करते रहें इसके ऊपर, ड्राई फंगीसाइड का अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पानी में घुल कर ना डालें और ना ही इसके ऊपर किसी चीज़ का स्प्रे करें। स्प्रे करने से भी ये जो है सक्यूलेंट वेराइटी का प्लांट है तो पानी अपने आप में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। किसी भी तरीके की ऐसा स्प्रे ना करें जिससे ये अपने आप में पानी स्टोर करे। तो इस तरीके से देखिए, पहले भी सड़ चुका है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ग्रो किया है, तो मैं इसे फिर से नहीं खोना चाहती या फिर से मैं इसके ऊपर डबल मेहनत नहीं करना चाहती। लेकिन अगर फिर भी ख़राब हो गया है तो मैं बताती हूँ आपको फ्रेंड्स क्या करना है। आपको उसको
कट कर देना है। कट करने के लिए आपको जो है शार्प कटर, जिसे आपने अच्छे से जो है डेटॉल वगैरह से साफ किया हो, कट करने के बाद उसे कुछ समय के लिए, एक महीने के लिए या दो महीने के लिए हैंग करके रख दीजिए, या पूरी बारिश ही हैंग करके रख दीजिए, जब तक वह सूख न जाए, जो भी सड़न गलन है सूख के अलग हो जाएगी प्लांट से। उसके बाद आप फरवरी में इस प्लांट को वापस से लगा दीजिए। लेकिन अगर ये लगा हुआ प्लांट है तो अब आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिए और पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए, बिल्कुल रेगिस्तान की मिट्टी की तरह। आप समझ रहे हैं ना, रेगिस्तान की मिट्टी का मतलब बिल्कुल मिट्टी सूख जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें पानी दीजिए। अब रही फ्लावरिंग की बात, तो आप इसमें रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है और बहुत ही कम प्राइस में नर्सरी पर मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलता है, आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो बनाना जो होता है केले का छिलका, उसे आप ओवरनाइट पानी में भिगो के रखिए, दूसरे दिन आप उसमें डाल दीजिए। आप उसको सुखा करके पाउडर फॉर्म में बना करके भी रख सकते हैं, तो एक चम्मच वो भी डाल सकते हैं। आप डायरेक्ट बनाना के छिलके कट करके भी इसके जो पॉट में मिट्टी में दबा सकते हैं, कोई फंगस नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप जो अनियन के छिलके होते हैं, यानी कि प्याज के छिलके, उनको भी ओवरनाइट पानी में भिगो के उनका भी पानी आप डाल सकते हैं। सब्जियों के छिलकों का पानी भी आप ओवरनाइट पानी में उनको भिगो करके और वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। सबसे बढ़िया है, मैं बनाती हूँ जीवामृत, और जीवामृत की जो वीडियो है मेरे चैनल पर है, कैसे बनाना है आप वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने जो है प्लांट में फर्टिलाइज़र, जो फ्री का फर्टिलाइज़र है, दे सकते हैं। लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो चाय पत्ती का पानी, कॉफ़ी का पानी आप दे सकते हैं इसमें, वेस्ट में जो चाय पत्ती जाती है वो भी दे सकते हैं धो के। तो इसी तरीके से आप इसकी केयर कीजिए। अभी इसे आप शेड एरिया में रखिए, वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है, लेकिन फिर भी शेड एरिया में रख दीजिए बारिशों में, वरना ये सड़न गलन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए पत्ते पीले होने लगे हैं, तो मैं भी यही काम करने वाली हूँ। और जैसे ही ये फिर से बारिशें निकल जाएगी, हम इसे धूप में रख देंगे अक्टूबर नवंबर में, बहुत अच्छे से ये फिर से हमें फ्लावरिंग देगा। तो अक्टूबर नवंबर में अगर आपने प्लांट सड़ गया है और उसे हैंग कर दिया है, तो उसे अक्टूबर में आप वापस लगा सकते हैं और उससे फ्लावरिंग एक महीने के अंदर ही फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो सॉइल मिक्सचर में बता चुकी हूँ, सनलाइट रिक्वायरमेंट बता चुकी हूँ, आपको फर्टिलाइज़र भी मैं बता चुकी हूँ। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, अडेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन और पर प्रेस ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।